हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, काफी अच्छी अपडेट तो नहीं है, मतलब एक अपडेट ये है कैप्सिनवाई की तरफ से। जैसे आपको पता ही होगा कैप्सिनवाई की जो पहले अपडेट था ऑनबोर्डिंग की नवंबर में थी, उन्होंने आई थिंक अक्टूबर के मंथ में दिसंबर की 4-5 डेट उन्होंने अनाउंस की थी। और ठीक है, उसके बाद फिर फरवरी की अपडेट आई थी, ठीक है। और उसके बाद अब आ रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने पूछा कि जो मेरी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो मैं ऑनबोर्डिंग कब तक और इंफोसिस हो गया, विप्रो, टीसीएस जितनी हो सकते हैं सभी अपडेट हमने कवर किए यहाँ पे, देख सकते हो। इवन प्लेलिस्ट भी है, और कंपनी की चाहे टेक मेल का टेक सीन आई हो, प्रोविजन, विप्रो, जो हो, सेंसर, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, ये बहुत सारी वीडियो अपने बना के अपलोड कर सकती है, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू जरूर हो। तो जैसे आपने इवन काफी वीडियोस में देखा भी होगा, और मैं आपको ना इसके बाद वो वीडियोस भी दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने आई थिंक एक 4-5 डेट दिसंबर की बताई है, फरवरी वाले डेट भी और अभी जो होगी वो भी। तो इसी वीडियो में ना हमने वो वाला पार्ट भी कवर किया था जिसमें आई थिंक 5 से 6 अपडेट वगैरह मिली थी, क्या बोलते हैं उनसे। ये देखो यहाँ पे कि ऑनबोर्डिंग की जो डेट इन्होंने अनाउंस की थी ना कि इन फ्यूचर, ये देखो 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, 27 दिसंबर, देन आपके 8 दिसंबर को भी था, ठीक है। तो 4-5 डेट उन्होंने अनाउंस कर दी थी। इवन फरवरी में भी काफ़ी लोगों की मतलब कि ऑनबोर्डिंग वगैरह हुई थी। जो इसमें जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपलोड की गई है 2 वीक पहले, मतलब कि अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है फरवरी की अपडेट, मतलब कि जो ऑनबोर्डिंग हो रही थी ये है फरवरी की, और ये थी नोएडा में, और ये थी ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो यहाँ जो थी यहाँ भी कुछ वर्चुअल थी और कुछ थी ऑनलाइन, ये वाली वर्चुअल है, बाकी दोनों फिजिकल है, ठीक है। और जो आज की है इसमें जो हम बात करेंगे ना, ये काफ़ी मतलब ही दूरी चली गई है, अभी नवंबर चल रहा है, आज से आई थिंक 4 से 5 महीने बाद की ऑनबोर्डिंग मिली है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो जैसे आपने देखी भी वीडियोस में कि क्या क्या बताया हुआ था, कि जो अपडेट थी ना हमने हर एक अपडेट कवर की, जितनी भी ऑनबोर्डिंग डेट्स और जिस भी वक्त में आई थी सभी हमने कवर की थी। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँ। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे हो ना, ये एक पर्सन के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ऑनबोर्डिंग की जो डेट है ना वो तो छोड़ो, काफ़ी लोगों का ऑनलाइन टेस्ट हो जा रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद ही, और इन्होंने ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरा कन्फर्म किया है। तो यहाँ भी देखोगे ना, देखो यह क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है इतना वो के, तो यहाँ पर भी ना पूरा ऐसा नहीं है कि ये एकदम पूरा कंफर्म है। तो ये दिखा क्या लिखा हुआ, योर ऑनबोर्डिंग इज प्लान्ड इन अप्रैल में, मतलब ये प्लान्ड है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, यू विल रिसीव ऑफर लेटर एंड फर्दर कम्युनिकेशन 1 or 2 weeks प्रायर योर ज्वाइनिंग, मतलब कि ये इन्होंने बोला कि अप्रैल मई में कभी भी हो सकता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो चाहे मई के लास्ट वीक में हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो बाकी यार यही अपडेट है, देख लो आपके सामने ही है। नवंबर में थी, फिर दिसंबर की 4-5 डेट थी, देन उसके बाद फरवरी में आई, और अब मई अप्रैल मई में देखने को मिल रही है। अब क्या ही करें, अब यही सारे का सीन चल रहा है हर एक कंपनी में। तो सारा कुछ आपने देख लिया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया, प्रीवियस अपडेट दिखा दी, और उसी के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो भी दिखा दी, ठीक है। हर एक अपडेट अपनी वन बाय वन कवर कर रखी है आप सभी के लिए, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर आपको बेल आइकन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय।